नूह रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु रवाना हुए। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के दोनों डिप्टी सीएम ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आपातकाल स्मृति दिवस को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन के लिए बुधवार को दर्शनार्थियों से भरी आस्था स्पेशल ट्रेन दुर्ग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। इस अवसर पर स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाने राज्य के दोनों डिप्टी सीएम विजय शर्मा व अरुण साव और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप पहुंचे। ये दर्शनार्थी रामलला के दर्शन के बाद 29 जुलाई को वापस लौटेंगे। इस दौरान जिले के सभी विधायक और बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार प्रदेशवासियों को अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए वचनबद्ध है और यह यात्रा अनवरत जारी रहेगी ताकि देश के लोगों को अयोध्या में बने भव्य रामलला मंदिर के दर्शन होते रहे। 3,500 रुपया कुंटल के पीछे 125 रुपया 4 किस्त नहीं एक पुश देना है उसको करना, 2 साल का बोनस नहीं दिया उसको दिया जाना, सीबीआई जांच वो पीएससी घोटाले की करवाना, ये सब विष्णुदेव जी की सरकार में लगातार हो रहा है। और इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उन श्रद्धालुओं के साथ बस में बैठकर स्टेशन पहुंचे। आपको बता दें कि रामलला दर्शन योजना के तहत दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को निशुल्क यात्रा कराई जा रही है, जिसमें दुर्ग जिले के 185 श्रद्धालुओं में 139 ग्रामीण एवं 46 श्रद्धालु शहरी क्षेत्र से शामिल किए गए हैं। इस मौके पर दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने यात्रा के संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा के द्वारा मनाए जा रहे आपातकाल स्मृति दिवस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए दिए गए बयान, जिसमें भूतपूर्व पीएम इंदिरा गांधी का आपातकाल घोषित था लेकिन बीजेपी ने 10 साल से अघोषित आपातकाल रखा था और सवाल पूछने पर जेल भेज दिया जाता है, ईडी की कार्रवाई, मीडिया के लोगों के खिलाफ कार्रवाई, 3 काले कानून, बीजेपी सरकार में लाए गए जैसे आरोप लगाए। इस पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि क्या भूपेश बघेल अंदर होने वाले हैं? ये लोकतंत्र है, घोषित आपातकाल जो देश में हो चुका वो फिर से नहीं होना चाहिए, जैसी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष रखी। से बीजापुर से सुकमा से नारायणपुर से सभी स्थानों से लोग जा रहे हैं, दुर्ग समाज से भी लोग जा रहे हैं, मतलब बहुत ही गजब है भाई। मैं खुद आज तक नहीं जा पाया हूँ, नहीं इतने सारे लोग जा रहे हैं, इतने प्रसन्न हैं देख करके, मुझे ऐसा लगा कि मुझे मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल आग्रह करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों को भी जल्दी चलना है, आप ले चलिए हमको भी, अभी हो भाई जाना हो जाए ना जल्दी से जल्दी, ऐसा तो है। भूपेश बघेल जी स्वयं जब ये बोल रहे हैं तो क्या वो अंदर होने वाले, वो बोल रहे हैं ना, ये आपातकाल नहीं है। आपातकाल वो था जब पत्रकार अपने कॉलम खाली छोड़ दिया करते थे, आपातकाल वो था जब बिना कुछ पूछे जेल में भरा जाता था, वो खुद ही विरोध कर रहे हैं, विरोध करने वाले पूरे विरोध कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है विरोध, और ये लोकतंत्र है, इसमें सबको स्वतंत्रता भी है, कोई बड़ी बात नहीं है, किया जा सकता है, लेकिन आपातकाल घोषित करके जो उस समय लगाया गया था उसका स्मृति तो एक बार सबके मन में होना ही चाहिए ना, लोकतंत्र को बचाना है ना, लोकतंत्र है ना हमारे देश में, उसको बचाना है तो ये होना चाहिए, क्योंकि जो देश में एक बार हो चुका वो फिर कभी ना नहीं होना चाहिए, बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है भाई, वो उनके अपना विशेषाधिकार है, निर्णय करेंगे जो भी करना हो, हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बाकी सब लोगों को साथ काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी इस बात का निर्णय करेंगे सरकार चलाने के लिए। ऐसे विचारधारा का कार्यकर्ता हूँ और ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे विचारधारा के कार्यकर्ता है जो इन संकल्पों के लिए जीते हैं, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए जो बलिदान चाहे, चाहे सरकारें चली जाए, चाहे जो चला जाए, उसके बावजूद भी उन संकल्पों को पूरा करने के लिए जीते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये क्षण तो बड़ा ही सुखद होता है जब सब लोग एक साथ
रामलला के भव्य मंदिर का दर्शन करने, रामलला के विग्रह का दर्शन करने जा रहे हों, जिसको 500 साल की प्रतीक्षा के बाद इसी भारतवर्ष में, इसी भारत भूमि में, उसी सरयू नदी के तट पर, उन्हीं के स्थान पर बनाया गया। अरे ऐसा लगता था देश में जैसे कोई अरब में, कोई अमेरिका में बना रहा है भगवान राम का मंदिर। राम का मंदिर तो यही बनना था भैया, उन्हीं के स्थान पर बनना था, और यहाँ न बनता तो कहाँ बनता, मैं ये जानना चाहता हूँ। खैर अब बनकर तैयार है और भगवान के दर्शन के लिए सभी लोग जा रहे हैं। मैं हृदय से इनको शुभकामनाएं देता हूँ, मैं हृदय से ये कहता हूँ कि ईश्वर सबका कल्याण करे। पूरा अमला है भैया, पूरा अमला है, आप निश्चिंत रहे। मोदी की एक गारंटी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरी हो रही है। छत्तीसगढ़ वासियों को रामलला दर्शन करने के लिए आज ये ट्रेन हम लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यात्रियों को शुभकामनाएं दी है उनके सफल सुखद यात्रा की, और निश्चित रूप से चूंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, छत्तीसगढ़ वासियों के श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं भगवान राम, उनके दर्शन के लिए ये सभी यात्री गए हैं, तो निश्चित रूप से मोदी की एक गारंटी पूरी हुई है। सभी यात्री बहुत प्रसन्न, बहुत उत्साह के साथ रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे, अन्य तीर्थों में भी जाना होगा, तो निश्चित रूप से इन सब के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। सभी से आग्रह किया है कि सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आशीर्वाद लेकर आए, सुख शांति की समृद्धि की कामना करें छत्तीसगढ़ के लिए, ये आग्रह किया है। सरकार के द्वारा सभी प्रकार की व्यवस्था, घर से लेकर स्टेशन आना, पूरी यात्रा कराना, यात्रा के दौरान भोजन आवास इत्यादि की व्यवस्था और वापस लाने के बाद घर तक पहुंचाना, ये पूरा काम राज्य सरकार कर रही है। एसीएन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।